गुड मॉर्निंग, आई एम ममता मैम। टुडे आई विल टीच यू क्लास फोर्थ कल्चर एंड सोसाइटी लेसन सिक्स। हेलो बच्चों, तो लेसन सिक्स है आपका द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड ग्रुप। दलदली क्षेत्र जो है और आइसलैंड जो कि पानी से समुद्री ग्रुप्स जो हैं पानी से, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। जो साउदर्न प्लेन है हमारे देश का, वो तीन तरह के वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो किसके बीच से घिरा हुआ, किन दो चीज़ों के बीच से घिरा हुआ, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट से। वाइल जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किससे जुड़ा हुआ, किसके बीच से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट से। द डक्कन प्लेटू सेपरेट दीज प्लेन्स। डक्कन प्लेटू है वो इसको सेपरेट करता, अलग अलग करता है। एंड दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी। और ये कहाँ जा कर के मिलते हैं, जो अलग करता है, ये तीनों कहाँ जा कर के मिलते हैं, कन्याकुमारी में जा कर के मिलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बच्चों क्या है, दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी। ये कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ मीन्स कि गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है। और गल्फ़ किसको कहते हैं बच्चों, जो नाले बना करके पानी निकलते हैं, नहर जैसा बना लेते हैं पानी के निकलने का बहाव को, उसे गल्फ कहते हैं। और गल्फ इज नैरो पार्ट ऑफ सी एक्सटेंडेड इन टू द लैंड। जो पानी का बहाव एकदम नहर के तरह बन के जाते हैं समुद्र में, उसी को क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। दिस एवरेज विड्थ ऑफ द प्लेन्स अबाउट द 16 किलोमीटर्स। और ये कितना इसकी चौड़ाई होती है, लगभग विड्थ मीन्स चौड़ाई 16 किलोमीटर्स की होती है। और दीज प्लेन्स आर डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट। ये तीन भाग में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे गुजरात कोस्ट, कोकन कोस्ट एंड मलबर कोस्ट। तो ये तीन भाग में डिवाइड हो जाते हैं। और बच्चों, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कॉस्ट लाइन इज अबाउट 7517 किलोमीटर्स। हमारा कोस्टल लाइन एरिया है पूरे इंडिया का। थैंक यू बच्चों, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगी।